हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदू ब्लॉग। सो गाइस, मैं आ गया फिर से नए ब्लॉग के साथ। चलिए कर लेते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को मेरा अपना और छोटू का मेरा प्यार। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट मैं नीलू के साथ करती हूँ साथ में से। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, कुछ दिन की छुट्टियाँ मिली है मुझे ससुराल से, तो मैं चली मायके। और मिस्टर जी लोग जा रहे हैं, कल से सीजन स्टार्ट हो गया इनका, शादी में जा रहे हैं। तो तीनों भाई शादी में जा रहे हैं, तो मैं अपने मायके चली तो चलते हैं। और अगर रास्ते में देखते हैं क्या क्या मिलता है, कहाँ से आप मिलता है वही रोड मिलेगी, वही रोड मिलेगी। मिस्टर जी छोड़ रहे हैं हमें, और मैं अपने साथ गोल्डी को भी ले जा रही हूँ आज। ये काफी टाइम से बैठा है आज गाड़ी में, जब से हम कपकोट से घर आए हैं ना, तब से बैठा है ये। जब हम पहुँचे हैं अपने ही इलाके में गोदिया धार में, तो यहाँ पे बुआ का सामान देना है हमने कुछ, तो सामान देते हैं। सामान फिक्की में है अभी, अभी इसके दुकान पे देना है यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग बुआ का सामान दे रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, ये बुआ का सामान और यहाँ पे दे रहे हैं ये, और इन्होंने आज ही दुकान देखी है तो ये पहचान रहे हैं। हेलो गोल्डी की, ये देखो गोल्डी की आवाज सुन के, गोल्डी की शीशा पर तो ये ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये गोल्डी का ढूंढ रहा है, इसने नहीं देखा है अभी तक। ये देखो भी भैया, ये गोल्डी को ढूंढ रहा है, मिल गए। गोल्डी अंदर हो, अंदर जा, यहाँ पर रख रहे हैं सामान। हमने सामान यहाँ पे दे दिया और फिर से चल रहे हैं हम। गोल्डी मेरी सीट पे आ गए यहाँ पे। गोल्डी कहाँ पे बैठा है, तुम्हें को भी आने दे। गोल्डी के मजे आ रखे हैं आज, कब से गाड़ी में बैठा है ना, तो बाहर ही निकल रहा है, तब से अंदर आ ही नहीं रहा है। फिर तबीयत खराब होती है इसको, ठंडी लगती है। ब्लॉगर साहब एक और गाइस, यहाँ पे कुछ सामान देना था, यहाँ पास सामान ही सामान देने हैं। ये लो, वेलकम। तो हमने यहाँ पे भी सामान दे दिया, अब हम जाते हैं अपने मायके की ओर। और अभी हम रुके हैं रीठा बगर पे, तो ये देखो अभी धूप भी आ चुकी है यहाँ पे, प्यारी सी धूप। चलिए चलते हैं, और गोल्डी वेट कर रहा है यहाँ पे। डाउन डाउन डाउन, गुड बॉय। डंडा साथ में रखा है हमने यहाँ पे गोल्डी के लिए। हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से भी, और अभी हम पहुंचे हैं रीठा बगर के पुट में, जो सरा और रीठा बगर है है। तो धूप भी आ चुकी है बाहर, गोल्डी फिर से बाहर को निकल गया है। यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, यहाँ पर रोड काफी खराब है, तो यही दिक्कत होती है हमेशा बरसात होती है यहाँ पे। हमेशा बरसात के टाइम पे एक नई रोड कटी है, वो पेठी वाली रोड कटी है, तब से पूरी रोड ही खराब हो रखी है। देखो रोड की हालत कुछ ऐसी होती है पहाड़ों में, और यहाँ ऊपर साइड को देखो ऐसी रोड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत रिस्की लाइफ है पहाड़ में। हम पहुँचे हैं बस ग्रुप पे, और मरारी ने के तो यहाँ से कुछ सामान रखते हैं, दियो घर पे ही है, दियो के लिए भी और अपने लिए भी, घर जाके खाएंगे चटपटा कुछ भी चीज। तो हमने सामान रख लिया है, और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी नहीं है और ज्यादा गर्म भी नहीं है, सेम है सनर भी, यहाँ भी मायके में भी ससुराल में भी सेम सेम मौसम होता है। तो गाइस, ये रहा यहाँ का शिवालय तपत कुंड बोलते हैं जिसे, ये ज्यादातर यहाँ पर जनेऊ के लिए आते रहते हैं, बचपन है यहाँ पर। आज ये आधा ही दिख रहे हैं, आधा उसे अंदर से मंदिर, सामने पत्थर पे शिव जी भगवान बनाए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीलू आ गई हमारी, यहाँ पर रोड में ऐसे गड्ढे हो रखे हैं, रुके बच बच के रुको। हाँ, दरवाजा खोलो, फिर ये लकड़ी अटकी है, आवाज आ रही थी, तो मैं भी बैठती हूँ अब। और गोल्डी को देखना, मेरी सीट पर है भी ये देखो, ये गंदा सा। फाइनली पहुंच गए हैं मेरे मायके पे, तो दिनों भैया सामान निकाल देंगे, पीछे डिग्गी में है। और गोल्डी तो पहले ही दौड़ के चला गया, उसे रास्ता मालूम था क्योंकि वो पहले भी आए हैं मेरे साथ। गाइस, यहाँ पे पहुंच गए हैं। गोल्डी कहाँ गया,
कुछ सीढ़ियों में ऐसे अपने शादी के दिन डाल देते, तब से है। दो ही रोटी, रोटी? ज्यादा नहीं बहू। गोल्ड यहाँ पर अंदर घुस चुका है, ये छोका। अंदर कोई नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे चंदा मिल गया हमें। चंदा घर पे ही थी, अंदर। मैं छत पे से आपको अपने मायके का नजारा दिखाती हूँ। ये कहाँ घूम रही थी ये, हैं? कहाँ ऊपर? दो इन्हें के काम हो, ये बस ये घुमक्कर हैं ये दो, ये शौक के। नमस्ते। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, खेतों में यहाँ पे सरसों खिल चुका है और गेहूं हो गए। तो ये छत में देखने, छत में बारिश हुई थी ना, ये कल भी बारिश थी। तो मौसम कुछ ऐसा है, कैसा लगता है आपको यहाँ? गांव-गांव जैसा होता है हर जगह। सामने अभी भी नींबू बचे हुए हैं पेड़ में, ये देखो नींबू। ये है सॉन्ग की छोटी सी मार्केट, और यहाँ पे ग्रामीण बैंक है इस बिल्डिंग पे। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच गई हूँ अपने मायके पर, और अभी मैं आई हूँ अपने ही छत पे। तो मौसम कुछ ऐसा है, यहाँ पे धूप, हल्की हल्की धूप आ गई है, और बारिश थी क्योंकि कल एक दो दिन से। और मेरे पीछे देखते हो आप, बहुत बड़े पत्थर, यहाँ से पत्थर गिरते हैं तो काफ़ी डर लगती है। और मेरे शायद 3-4 दिन तक कोई ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं अपने मायके पर हूँ और यहाँ पर नेट प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं वीडियो बनाऊँगी भी नहीं, ब्लॉग बनाऊँगी भी नहीं, ना ही अपलोड हो पाएगा। तो जब मैं अपने ससुराल आऊँगी उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए पुराने ब्लॉग देख लेना आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, और जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें भी देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। और जिन्होंने देखे हैं वो मेरे ब्लॉग को शेयर कर दो, और मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ला दो प्लीज़। और इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स के लिए थैंक यू सो मच, आप सबका इतना प्यार मिला। वैसे यूट्यूब पे भी अपना प्यार दिखाइए, मेरे ससुराल जाने तक 5K कर दीजिए यूट्यूब पे प्लीज़। तो अभी मिस्टर जी लोग जाने वाले हैं नीचे, आज ऐसी था मार्केट, वहाँ सुनसान थी, तो ये भी यहाँ आ गए हैं छोड़ने, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है। और ये ब्लॉग शायद कल आएगा मेरा, आज भी आ भी सकता है या कल भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। एडिटिंग में टाइम जितना लगेगा। सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे की 26 जनवरी होता है रिपब्लिक डे, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हम तो हिंदी वाले बोलते हैं। यहाँ पर मम्मी आते हुए, यहाँ पे ये है मेरे नाम राशि, छोटी हीना, और ये हिमानी, और वो तो दीव है जानते हो आप। यहाँ पे हमारे लिए समोसा लाते हुए, दिन भैया को यहाँ के समोसे और चटनी काफी पसंद है। दिन भैया ये दिन भैया की फेवरेट है, इसको ये इतनी खाते हैं ना ये चिली, ये मोमो की चटनी है यहाँ पे, जो मम्मी समोसे के साथ इनके लिए लाई है और इनके लिए लाई है, आपके लिए भी। आप चटनी नहीं खाते हो ना उतने, कैसे हो रहे समोसे? ठंडे हैं थोड़े से। तो गाइस यहाँ पे सब लोग मम्मी और समोसे मंगाने की बात कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, और यहाँ पे और चाय पीने लग गए, ये देखो ये लोग निकलने लग गए हैं अब अपने घर के लिए, मतलब मेरे ससुराल के लिए। और मैं यहीं रुक रही हूँ कुछ दिनों के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉक नहीं आ पाएगा कुछ दिनों के लिए, नेट नहीं चलता। चलो फिर जाओ, गाड़ी बैक होने लग गई यहाँ पे जाने के लिए। ये तो गाइस ये रही ताई जी, और ये मिस्टर जी लोगों के साथ कपकोर जा रहे, एनम एनम भाई ये आ गया, ये मतलब यही रह रही करके ठोक के गोल्डी कहाँ है तेरा? गोल्डी वो ऊपर है, वो यही लाई हूँ उसको भी, गोल्डी ले वो है, वो गोल्डी नहीं रहता ये, तभी लाई हूँ। हाँ तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं महीने में तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे जल्दी से जल्दी 5K कम्प्लीट कर दीजिए, जैसे इंस्टा पे 10K कम्प्लीट किए। थैंक यू सो मच, बाय।